फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, अभी भी डॉक्टर रामनवल लोहिया पद विश्वविद्यालय से एक नोटिस निकल के आया है। आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करने वाले हैं। नोटिस का विषय है जो कि आप लोगों की छुट्टियां को लेकर के, ये नोटिस का विषय है। चलिए हम दिखाते हैं आपको पूरी नोटिस अपडेट की क्या है आप इस नोटिस में। नोटिस जो है आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी नोटिस है। सभी छात्रों के लिए ये एक खुशखबरी की तरह ये नोटिस है। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या है खुशखबरी। नोटिस बताने से पहले फ्रेंड्स, जिन लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि रामनवल यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आए वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए, नोटिस जो है आप लोगों के डॉक्टर रामनवल लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा ये नोटिस आया है जो कि दिनांक 6 जनवरी 2021 को ये नोटिस आया है, लेकिन इसे साइट पे है जो कि आज ही अपडेट किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है वर्ष 2021 के सार्वजनिक अवकाश, यानी कि सार्वजनिक अवकाश कहने का मतलब हुआ कि जो भी त्योहारों का छुट्टियां जो है, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, कौन से दिन पड़ते हैं, सारी यहाँ पे डिटेल्स आपको बताई गई है। नंबर वन में देखिए आप लोगों को गणतंत्रता दिवस की छुट्टी है जो कि 1 दिन की छुट्टी है जो कि दिन मंगलवार पड़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, यहाँ पे जो है 1 दिन की छुट्टियाँ हैं जो कि शुक्रवार दिन पड़ता है। उसके बाद जो है जो कि महाशिवरात्रि है, इसकी छुट्टियां भी है जो कि 1 दिन की छुट्टियां हैं जो कि गुरुवार पड़ती है। तो इसी प्रकार से है जो कि आप लोगों के सारे छुट्टियां का डिटेल्स यहां पे दिया गया है। देखिए मैं आपको सारा दिखाती हूं यहां पे जो कि सारे मंथ वाइज जो भी पर्व आ रहे हैं सारी यहां पे छुट्टियां आपको दिया गया है। फिर यहां पे देखिए दिया गया है वर्ष 2021 के निबंधित अवकाश, यहां पे देखिए आपको दिया गया है नव वर्ष दिवस दिया गया है। उसके बाद मकर संक्रांति, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको दिया गया है सारे कैलेंडर के अनुसार जो भी तिथि है और छुट्टियां हैं सारे के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इतना जो है सारे छुट्टियां यहाँ पे आपको दिया गया है। टोटल जो है 2 पेज में ये आप लोगों को बताया गया है कि जो कितने सारे पर्व हैं और कितने दिनों की छुट्टियां हैं सारे पर्व में। तो आपको यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि आप लोगों की छुट्टियाँ कब कब होगी और कब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसका अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को लिंक दे सके इसका, और आप लोग आसानी से इसका PDF को प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से दिन छुट्टियां हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पूरा बताने में मुझे बहुत समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जा करके अपनी ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दिन छुट्टियां हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आए अवध यूनिवर्सिटी से वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।